बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ज़ीरोग्राफी। तो इसको एक और नाम दिया जाता है फोटोकॉपियर, यानी जो फोटोकॉपियर मशीन है उसको ही एक्चुअली हम क्या नाम देते हैं, ज़ीरोग्राफी। अब ये जो वर्ड है ज़ीरोग्राफी, ये टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक है हमारे पास जीरोस और सेकंड है ग्राफोस। जो जीरो से मुराद हम लेते हैं ड्राई और ग्राफो से मुराद है राइटिंग। यानी अगर हमारे पास ये एमसीक्यू आ जाता है व्हाट इज मेंट बाय ज़ीरोग्राफी, तो उससे क्या मुराद लेंगे हम, ड्राई राइटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है जो ज़ीरोग्राफी है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ये ड्रम के ऊपर मुश्किल होती है, ड्रम को नाम दिया जाता है हार्ट ऑफ मशीन। और ये जो ड्रम है ये एल्यूमिनियम का बना होगा। और एल्यूमिनियम की क्या खासियत है, ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इस ड्रम के ऊपर हमने सिलिनियम की कोटिंग की होगी। सिलिनियम, अब जो सिलिनियम है ये फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर से क्या मुराद है कि जब तक इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी ये कंडक्ट करेगा, और जब इसके ऊपर लाइट फॉल करना हम स्टॉप कर देंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। उस कंडीशन में ये इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है। अब क्या होता है कि अगर हमने क्या किया हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल किया हुआ है, तो जब तक ये डार्कनेस में रहेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो एज इट इज रहेंगे। लेकिन जो ही हम क्या करेंगे, लाइट फॉल करेंगे तो क्या होगा, ड्रम से इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो क्या करेंगे उन नेगेटिव चार्जेस के साथ मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, यहां पर वो पेज रखा होगा जिसको हमने प्रिंट लेना होता है, पेज टू बी प्रिंटेड। उसके बाद नेक्स्ट है यहां लैंप लगा होगा, और ये हमारे पास है लेंस। लैंप से लाइट एमिट होगी, लेंस से पास होने के बाद इस ड्रम के ऊपर पास होगी। अब लेंस का क्या काम होता है, लेंस में ड्रम के ऊपर लाइट को फोकस करना है। सेकंड, हमने देखा है कि हम क्या करते हैं, बाज औकात जो फोटोकॉपी करवा रहे होते हैं उसका साइज मैक्रो या माइक्रो, यानी साइज बढ़ा भी लेते हैं कम भी कर लेते हैं, तो वो किसकी मदद से हम कर लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ लेंस। उसके बाद नेक्स्ट है यहां पर टोनर लगा होता है, इसमें नेगेटिवली चार्ज चार्ज ब्लैक इंक पाउडर होगा। यानी इसके अंदर हमने ब्लैक पाउडर लिया होता है जिसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, और इसको हम नाम देते हैं टूनर का। उसके बाद नेक्स्ट है हमें क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को एक पेज के ऊपर प्रिंट करना होता है। पी आ जाएगा पेज ऑन विच इमेज इज प्रिंटेड। उसके
नेक्स्ट है, इस ड्रम के साथ यहां पे हीटेड रूलर लगे होते हैं। और एट द एंड फाइनली जब हीटेड रूलर में से पेज गुजरेगा तो ये हमारे पास आ जाता है प्रिंटेड पेज। तो ये थी हमारे पास जीरो ग्राफी की कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमें देखना है कि ये वर्क कैसे करेगा, यानी फोटोकॉपी मशीन की वजह से हम किसी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट कैसे हासिल करते हैं। तो सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स जिसकी हमें कॉपी लेनी है उसको हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो ड्रम है इसको हम पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को हमने स्प्रिंकल कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा, लैंप से लाइट एमिट होगी, वो जो लाइट है ये इस पेपर के ऊपर फॉल करेगी। अब जब लाइट पेपर के ऊपर फॉल कर रही है तो यहाँ पे दो रीजन है, एक हमारे पास वो रीजन है जहां पे हमने कुछ लिखा है डेट इज ब्लैक, और अदर जो पार्ट्स है वो हमारे पास व्हाइट है। तो व्हाइट हिस्से से लाइट रिफ्लेक्ट होगी और जो ब्लैक हिस्सा है वो लाइट को क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब। अब उसकी वजह से क्या होगा, वो हिस्सा जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो सारी लाइट लेंस में से पास करने के बाद ड्रम पे आ जाएगी, और वहां पे जिस जिस रीजन पे लाइट फॉल करेगी वहां कंडक्शन का अमल हो जाएगा। लिहाजा क्या होगा, जो हमारे पास ड्रम है वहां से एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो पॉजिटिव चार्जेस के साथ मिलकर उनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन वो हिस्सा जो डार्क था इसने लाइट को अब्सॉर्ब कर लिया, अब उसकी वजह से लाइट यहां तक नहीं पहुंचेगी। तो उस रीजन में जैसे ये हमारे पास फिजिक्स लिखा हुआ था, तो ये जो फिजिक्स वाला रीजन होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रह जाएंगे, क्यों, यहाँ पे लाइट नहीं पहुंचेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हीटेड रूलर में हमारे पास नेगेटिव चार्ज बैक पाउडर है, इसको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, स्प्रे करेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ चिमट जाएंगे। नेक्स्ट, जो हमारे पास ड्रम होता है वो रोटेट करता है, जब ये ड्रम रोटेट करेगा यहाँ से पेपर के ऊपर, ये जो फर्दर इंक जो है हमारे पास ब्लैक पाउडर है इसको इस पेपर के ऊपर क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब जब पेपर के ऊपर ये स्याही आती है तो परमानेंट नहीं होती, हम क्या करते हैं इस पेपर को हीटेड रूलर में से पास करते हैं। ये जो हीटेड रूलर है इनका हाई टेम्परेचर होगा और प्रेशर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास पेपर के ऊपर जो परमानेंट इंप्रेशन है वो हासिल हो सकता है। इसके साथ साथ हमने इसको क्या करते हैं, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज देते हैं ताकि इमेज हमें क्या मिल जाए, परमानेंट मिल जाए। तो ये हमारे पास प्रिंटेड पेज आएगा। अब यहाँ पे बाद का देखा है कि जो पेपर होता है वो मशीन में जैम हो जाते हैं, तो जो फोटोकॉपी करने वाला पर्सन है वो क्या करता है, पेपर को मशीन से बाहर निकालता है और किसी कपड़े की मदद से क्या कर लेते हैं, साफ। क्यों, उस वक्त जो पेज होता है वो हीटेड रूलर में से पास नहीं होता, तो जब तक वो हीटेड रूलर में से पास नहीं होगा तो हमारे पास परमानेंट इंप्रेशन है नहीं हासिल होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जीरोग्राफी की कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग को डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़।